वालेकुम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें तो यहां इसी नेक दुआ के साथ मैंने अपना व्लॉग का स्टार्ट सुबह के टाइम से ही कर दिया था तो लाइट जा चुकी थी उस वक्त जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया तो ना मैंने सफाई का, का काम शुरू कर दिया था क्योंकि मैंने ना इधर की इधर का फर्नीचर उधर और उधर इधर का उधर करने में थोड़ा सा ना काम स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे जैसे सेटिंग से चेंज करते रहती हूँ ना तो इस वजह से बस आदत उसी बन चुकी है तो औरतों का तो काम ही यही होता है तो मैंने फिर सोचा कि सब्ज़ी तो आ चुकी है क्यों ना मैं पहले सब्जी का काम निपटाऊँ लाइट आ चुकी थी इतनी देर में मैं काम करती करती ना छतें भी जो थी वो भी साफ़ करने वाली थी जाले हो जाते हैं घरों में जैसे तो वो बुरे लगते हैं तो मैं फिर जाले वगैरह भी उतारने हैं मैंने तो इसलिए मैंने वो काम रोक के भी ना मैंने ना ये सब्ज़ी काटना शुरू कर दी तो ये देसी तरीके से आज मैं पालक काट रही हूँ तो देखें जी कौन कौन ऐसे काटता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और ये है वो लड़की आई हुई थी तो वो भी साथ बैठी हुई थी तो जी मैं उसके साथ बैठ के ना वो असल में पठान है तो उसके पास बैठ के मैं काट रही थी तो वो भी हैरान हो रही थी कि बाजी ये क्या है आप किस चीज़ के साथ काटती हो हम लोग तो छुरी के साथ काटते हैं पालक वगैरह तो मैंने कहा ये तो भई गांव की सौगात है और आपको पता ही नहीं है कि ये ख़ास काम इसी से होता है मतलब जो साग काटने का साग की कटिंग तो गांव में इसी तरह होती है तो वो कहती है कि हम लोगों को तो नहीं पता तो आप लोग पंजाबी हो तो आप लोगों ने तो पंजाबियों वाले सारे का चीज़ें पूरी की हुई हैं तो मैंने ये यहाँ जी सालन भी रख दिया था तो वो मेरे साथ इसी तरह ना बातें कर रही थी कि आप लोग ना पंजाबी हो ना तो पंजाबियों तो की तरह और गांव की सारी चीज़ें आपने बर्तन वगैरह जिस तरह मतलब रखी हुई हैं मैंने कहा मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है गांव में या इस तरह की चीज़ें तो मिट्टी की तो ज़्यादा होती हैं तो यहाँ ना ये पालक में रेत बहुत ज़्यादा थी तो इसको मैंने ना काफ़ी दफ़ा पा मतलब पानी से निकाला ताकि रेत निकल जाए फिर अच्छी नहीं लगती ना सालन में रेत आए तो इसी दौरान मैंने आप लोगों के साथ ना, इस इसकी तो रेसिपी इतनी शेयर नहीं की क्योंकि पालक बनाने का क्या काम है वो तो हर काम हर बंदा ही बना लेता है तो दूध भी साथ ही आ गया था सुबह ही दूध मंगवा लिया था मैंने क्योंकि बच्चों के लिए नहीं था दूध आज शाम को जब कोचिंग सेंटर जाएंगे तो फिर दूध भी तो होना चाहिए ना ये देखे मैं जाले उतारने के लिए ना मैंने ये ब्रश रखा हुआ है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये इस ब्रश के साथ मैंने सारी छतें साफ़ करनी है तो अभी ये देखे जाले कितनी हैं क्योंकि इस कमरे का पंखा भी ख़राब था और दूसरा गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी और लाइट भी इसी तरह ख़राब थी इस कमरे का थोड़ा सा मसला था बोर्ड का तो वो सेट नहीं था इस कमरे में आने का भी दिल नहीं करता था तो बस ऐसे ही टेम्प्रेरी सा जो काम होता था मैं करके चली जाती थी और अंधेरा भी होता था नज़र मुझे नहीं आता था इस वजह से ना बस थोड़ा लेट होता गया तो अब उस कमरे का तो हो गई है सेटिंग सारी तो इस वजह से मैंने कहा लाइट वगैरह की तो पंखा भी अब चलता है मैंने कहा चलो इस कमरे की ना थोड़ा सा समेट लूँ और साथ ही साथ ना मैं आते जाते ना इसमें चम्मच भी हिलाती जा रही थी ताकि ये सालन हांडी के नीचे ना लगे तो यहाँ आटा भी मेरा मैंने जब देखा मैंने उस वक्त जब मैं आटा गूंथ रही हूँ ना इस वक्त साढ़े बारह का टाइम था तो मैंने मेरे ख्याल से तो आटा पड़ा है मगर आटा तो मैंने देखा तो अचानक मैंने मतलब ख़त्म था तो उस वक्त फिर मैंने फटाफट से आटा गूँध लिया ये देखें ये, ये मैंने सेटिंग की है तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये सेटिंग कैसी है अव्वल तो ये मैंने फ़ाइनल लुक नहीं दिखाया क्योंकि मैंने ना मुझे जल्दी थी मैंने जाना था कहीं मार्केट की साइड पे तो मैंने ये ऐसे ही अंदर करके झाड़ू वाड़ू लगा के वो कपड़ा लगा दिया था इसके ऊपर और अभी तो चेयर वगैरह तो इस साइड पे बेड वाले कमरे में लेके कर आऊँगी फिर मतलब सही होगा तो यहाँ जी मैं आई थी मार्केट तो मुझे ये फ्रॉकें ना सही लग रही थी मतलब कलरफुल सी तो मैंने कहा ये चलो बना लेती हूँ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये है जी सदर मार्केट मेन सदर बाजार तो ये देखें जी ये है सदर कराची का जिसने नहीं देखा तो मेरी वीडियो में देखें तो आप इन्जॉय करें ये है जी कराची इलाके, के इलाके मुख्तलिफ़ इलाक़ों के कि मैं आप लोगों को इसी तरह वीडियो बना ये चर्च है ये देखें तो इसी तरह से आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बसानी पहुंचे तो ये यहाँ ना पीछे जो मार्केट गुजरी है ना ये इसको सस्ता बाजार कहा जाता है ये इस यहाँ हर तरह का सामान होता है जैसे सेकेंड हैंड होता है तो अब मैं तो बस एक चक्कर लगाने गई थी एक दो बार गई हूँ मैं मगर लिया कुछ नहीं इतफाकन तो क्योंकि बस जाके औरतों का यही होता है कि देखे तो सही यहाँ क्या है वही आदत पूरी की थी मैंने भी वैसे ये कि हमने लिया तो कुछ भी नहीं था तो ये भी ये सामने वाली जो बिल्डिंग है ना ये बिल्कुल चौक के ऊपर है ये हॉस्पिटल है ये आईएसएम हॉस्पिटल है यहाँ का और यहीं से एक साइड जाम क्लाथ वाली साइड पे चली जाती है एक गुल प्लाज़ा की साइड पे एक सदर की साइड पे इस तरह करके ना चारों बाज़ार है मक्की मस्जिद भी इसी साइड पे करीब है तो यहाँ मैं वापस आ चुकी थी तो वापस आके मैंने देखा कि मैंने तो अभी जी यूनिफॉर्म भी नहीं धोए बच्चों के तो यूनिफॉर्म आके धोए और उसके बाद फिर बच्चों ने कहा कि हम लोगों ने मैंने तो रोटी नहीं खाई थी मैंने जी आज फिर गोल गप्पे खाए हैं इसलिए ना मेरा तो पेट फुल है और फिर उसके बाद फिर ना बच्चों को पहले तो रोटी वगैरह बना के दी रोटी क्या बनानी थी दो रोटियां बनाई और बच्चों का पेट भर गया बस बच्चों ने कितनी खानी होती हैं तो जी यहाँ जो बर्तन बिखरे हुए थे मेरे आ, बच्चों ने बस ऐसे ही आ, मतलब दोपहर का भी था थोड़े बर्तन मेरे और चाय के बर्तन भी थे इकट्ठे हो चुके थे क्योंकि मुझे जल्दी थी ना जाने की तो मैं धो के नहीं गई थी बर्तन ऐसे मैं आप लोगों को मतलब झूठ बोलूँ तो इस वजह से फिर मैंने वो उनका दूध वगैरह उनके जो भी ठंडा करके चीनी डाल के देनी थी फीडर वगैरह वो दे के बर्तन जो खाली हुए वो भी ला के ना मैंने फिर धोना धोने थे तो मैंने कहा चलो किचन भी हाथों हाथ ना निपटा के किचन का जाऊँ फिर ही अंदर जा कर लेटूँ बच्चों के पास बच्चे तो अंदर मस्तियों में लगे हुए थे और उनके तो चल रहे थे कार्टून कार्टूनों में मगन थे तो जब कार्टून लग जाए तो फिर बच्चे कहाँ उठते हैं टी के आगे से तो असल में ना बच्चे मेरे थक जाते हैं सारा दिन बस इसी तरह आ, स्कूल जाओ को, कोचिंग जाओ मदरसा जाओ फिर बच्चों को थोड़ा सा रेस्ट भी तो होना चाहिए ना इस टाइम तो वो अपनी मर्ज़ी से और दूसरा ये कि मैं अपने बच्चे चाहे संडे है चाहे कुछ भी है या कोचिंग सेंटर नहीं गए मदरसा नहीं गए मैं मैंने बच्चों को गली में कभी नहीं निकलने दिया इस तरह कभी कभार ये होता है कि अगर बच्चा कभी ज़िद भी कर लेना तो इनके बाबा को कह देती हूँ वो थोड़ी देर इनके पास बैठ जाते हैं ताकि चलो बच्चों की आउटिंग एक तरह की हो जाती है ना गली में दूसरे बच्चों के साथ मिलते हैं करते हैं खेलते हैं तो इस वजह से वरना मैं बच्चों को बाहर नहीं निकालती असल में ना हालात ही ऐसे हैं हर बंदा डरता है और आए दिन तो ऐलान हो रहे होते हैं ख़बरों में सुन रहे होते हैं इतने बच्चे गुम हो गए ये वो तो अल्लाह माफ़ी दे भाई इसी डर के साथ ना और हालात ख़राब होने की वजह से ना मेरा तो दिल मुतमिन नहीं होता कि मैं बच्चों को ना बाहर निकालूँ और बच्चों को अब मेरे बच्चों को ऐसी आदत पड़ गई है कि ये अगर घर में होते भी हैं ना तो यहाँ तो छत पे जा के साइकिल चलाते हैं साइकिलें चला लेते हैं और बड़ी गाड़ी तो मैंने इसलिए रखी कि बड़ी गाड़ी को ना आ, मैंने अब चार्ज करना ही छोड़ दिया है इस वजह से कि ये आपस में लड़ते हैं एक कहता है मैंने चलानी है एक कहता है मैंने चलानी है तो इस वजह से मैंने वो भी रख ली तो अब साइकिलों पे ये है कि तीनों के अलग अलग साइकिल्स हैं अब तो माशाल्लाह सूरवा भी अपनी साइकिल चला लेती है तो इस वजह से ना बस ऊपर ही खेलते रहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये सही है या बाहर बच्चों को निकालना सही है तो आ, आप मुझे प्लीज़ मिश मशवरा तो देना कि मैं सही करती हूँ कि बच्चे सही कहते हैं कि बाहर जाना चाहिए और मेरा कल के लिए भी अभी तो बहुत सारा काम बचा हुआ है मुझे बहुत लंबा काम अभी नज़र आ रहा है ये देखें जी दीवारों पे और ये छतों पे सारा मैंने तो सफाई वगैरह कर दी थी और दीवारें भी आज तो नीट एंड क्लीन हो गई हैं मेरी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने बस इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया तो अब ये अभी बिखरी हुई हैं ये चादरें अभी सोफे वाली हैं जो धो के मैंने रखी हुई हैं तो पहले तो मेरा दिल कर रहा था कि अभी चढ़ा के फिर ही सोऊँ फिर मैंने सोचा कि अब अगर ये चढ़ाने लग गई देर हो जाएगी लाइट का भी जाने का टाइम हो चुका है और उसके अलावा ये है कि अभी मेरी सेटिंग थोड़ी सी ना मैंने और निपटानी है चेयर्स वगैरह इधर उधर करनी है तो फिर एक ही बार मैं सुबह में बच्चे चले जाएंगे तो करूँगी तो यहाँ आई थी तो बच्चे लेटे हुए थे अपने अपनी जगह पर तो मुझे दें अब इजाज़त हम भी सोएं तो अल्लाह हाफिज